हेलो फ्रेंड्स, वन जंक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान से और उसके साथ उनके बहनोई यानी कि भैया आयुष शर्मा से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि आयुष शर्मा ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत सलमान खान के ही प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म लव यात्री से की थी और उनको इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी थी क्योंकि भैया ये फिल्म एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बन रही थी और इस फिल्म का सिनारियो भी बहुत बड़ा था। और एक तरीके से बताओ भैया, जितनी उम्मीदें इस फिल्म से आयुष शर्मा को थी उतनी ही उम्मीदें सलमान खान को भी थी और उन्होंने इस फिल्म के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था कि भैया एक तरीके से बॉलीवुड के रास्ते खुल जाएं आयुष शर्मा के, यानी कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुली रन करे और अच्छा बिजनेस करे ताकि आयुष को एक प्लेटफॉर्म मिल सके बॉलीवुड में। लेकिन जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो भैया उतना कमाल नहीं कर पाई, यानी कि एक तरीके से बोले तो भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। लेकिन उसके बावजूद आयुष शर्मा के काम को बॉलीवुड में पसंद किया गया, यानी कि इस फिल्म में उनके काम को देखने के बाद ये कहा गया कि भैया उनके लिए आगे होप है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आयुष शर्मा भी काफी मेहनत कर रहे थे एक अच्छे फिल्म को पाने के लिए। तो भी हाल फिलहाल में ही एक खबर आ रही थी कि आयुष शर्मा के हाथ में एक गैंगस्टर स्टोरी लगी, यानी कि वो एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे। और इस फिल्म के बारे में बताया जा रहा था कि भैया इस फिल्म में उनके साथ में बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त नजर आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस फिल्म का काम चालू होता है कि भैया इस फिल्म का काम रोकना पड़ गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से और उसके बाद से ही इस फिल्म को बताया जा रहा था कि डब्बा बंद हो चुकी है ये फिल्म। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, यानी कि भैया इस फिल्म का काम कुछ दिनों के लिए रुका था, बंद नहीं हुआ था और यह फिल्म बहुत जल्दी ही शुरू होने जा रही है, यानी कि इस फिल्म का काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और इस फिल्म को ध्यान में रखकर आयुष शर्मा अपने बॉडी पर मेहनत करें, यानी कि भैया उन्होंने हाल फिलहाल में ही एक फोटोशूट कराया था जिसमें उनकी बॉडी बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार नजर आ रही है, यानी कि भैया वो अपने आप को इस कैरेक्टर के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। और इसी बीच में एक और बड़ी खबर अब इस फिल्म को लेकर निकल के आ रही है कि भैया अब इस फिल्म में संजय दत्त की जगह भैया एंट्री मार रहे हैं उनके साले साहब, यानी कि भैया सलमान खान की एंट्री हो रही है इस फिल्म, यानी कि भैया आयुष शर्मा के साथ में अब संजय दत्त की जगह पे सलमान खान की एंट्री होगी। तो भैया एक तरीके से सलमान खान ने ये कसम खा रखा है कि भैया वो आयुष शर्मा को बॉलीवुड में जमा के रखेंगे, तभी तो वो उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यानी कि जो खबरें निकल के आ रही है यही है कि भैया सलमान खान इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और आयुष शर्मा के साथ में इस गैंगस्टर स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये खबर सही होती है तो भैया ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है किसके लिए, तो आयुष शर्मा के लिए, मतलब कि इस फिल्म को पॉपुलैरिटी तो मिल जाएगी सलमान खान के एंट्री होने से। लेकिन क्या इस पॉपुलैरिटी में आयुष शर्मा को भी कुछ मिलेगा, क्योंकि भैया सलमान खान अगर इस फिल्म में आ रहे हैं तो ऑडियंस का जो प्यार होगा वो सलमान के ही साथ होगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर सलमान खान इस फिल्म में एंट्री मार रहे हैं तो भैया वो कैसे अपने ऑडियंस को आयुष शर्मा की तरफ मोड़ पाते हैं, क्या कहानी में कुछ ऐसा अप डाउन रखा जाएगा जहां पर आयुष शर्मा सलमान खान के ऊपर में भारी पड़े, ये देखने में मजा आएगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा भैया कि ये जो जीजा और साले की जोड़ी जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी, अपने कमेंट से बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।